अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। आप एक काम करो, वहाँ ले जाओ, हम यहाँ से बच्चे भिजवा देते हैं। नहीं नहीं, फिर उसके स्थान आ जाएगा अपने पास, अगर उस समय का नाम पता पूरा नहीं के हाथ में छटपटा है, तो साइड का बर्तन जो था उसके पास फटा हुआ पानी कहाँ गिरा, फिर वो जो भी थे अध्यापक बोलना स्पष्ट बोलो, कोई दिक्कत नहीं। देख रहे ये देख रहे, हाँ देख रहे, वहाँ कैमरे लगे क्या? कैमरे क्या घटना हुई थी जो आवेदन देना है बोध वाली? आवेदन इसलिए देना है क्योंकि मुनि बाबा का क्या है, इससे पहले पिछले साल भी उनका जो है परिचय पत्र, साधु के जो परिचय पत्र रहते हैं वो भी जला दिए गए, तो पिछले साल इस साल उनको जो है माराकुटी करी है और वो जो है व्हील चेयर पर उनको बिठा कर हम करते हैं। कहाँ पे घटना हुई थी? ये भोलेनाथ मंदिर मिल रोड। कब हुई थी घटना? ये रविवार के रोज की घटना है। क्या हुआ था घटना में? घटना में जो है मुनि बाबा को मारा पीटा गया है। कैसे पीटा गया? मारा पीटा गया। कैसे पीटा गया मतलब? ये समझ लीजिए कि दो कंबल उनके पास से मिले थे जिसमें कंबल में जो है पूरे बाल होने लगे हुए हैं और उनकी जो है यहाँ पे पूरा की पूरा जो है और मुंह के अंदर ब्लड आ रहा है सूखा हुआ ब्लड। अभी क्या आवेदन देने आए थे आपका? अभी आवेदन देने आए। आगे क्या कर रहे हैं? आगे जो है हम ले जा रहे हैं वहाँ पे हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं उनका वो करवाने के लिए। आपका नाम? मेरा नाम अरूप पांडे। क्या करते हैं? दूध डेयरी व्यवसाय है मेरा, दूध डेयरी सामान का व्यवसाय है। चलो इसे को लेकर अभी सिटी कोतवाली थाने पर पहुंचे आप? भोलेनाथ मंदिर से आया हूँ, मेन रोड रोड पर स्थित है। जो कल परसों यहाँ आवेदन दिए गए, रिपोर्ट दी गई, वो अनर्गल है, झूठी है, अफवाहों से सावधान। अच्छा, इसमें बताया जा रहा था कि जो वहाँ गुरुजी है, संत हैं, वहाँ पे उनके साथ किसी ने मारपीट करी थी, तो क्या पूरा घटनाक्रम था, वो सही था क्या था? कोई सही साठ नहीं, 90 वर्ष की आयु में उनको कौन मारेगा भाई। और उसके बाद उनने वो सीसीटीवी कैमरा भी लगे हैं वो भी खोल के देख लिया। क्या दिखा सीसीटीवी फुटेज में? कुछ नहीं दिखा। ये कौन लोग थे जो थाने पे आवेदन देकर गए थे और बाबा के साथ मारपीट का आरोप लगाया? वो पांडे है, अनूप पांडे। क्या लेन देन है इनका मंदिर से? वो बाबा की सेवा करता है, आता है, तो कोई उसको मना नहीं करते कि भाई। मतलब ये अफवाह थी कि बाबा के साथ मारपीट हुई है? हाँ, ये अफवाह है। अभी किस तरह का आवेदन दिया आपने यहाँ थाने पर? ये उसको जो भी बाहर दिए वो आवेदन सब डिलीट करे, जांच हो, जो भी हो, कहीं ना कहीं गलत है तो उसको दोषी पे कार्रवाई हो, लेकिन दोषी नहीं है तो उन पे कार्रवाई होना चाहिए जो ये अनगरल और धर्म के प्रति आस्था भड़का रहे लोगों को।
तो यही चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो धर्म और जो लोगों की श्रद्धा बनी है वो बनी रहे। मतलब आगे ना जो पिछले दिन घटना हुई थी वो पूरी तरह से गलत है, जांच करवाई, वो जांच कैमरे में भी देखी है, कैमरे में झूठी है और कुछ भी पाया नहीं गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज है, लोगों की आस्था है उस मंदिर से, तो कहीं ना कहीं मंदिर को बदनाम नहीं किया जाए। ठीक है। गुरु जी आपका नाम क्या है? मदन मोहन दास। आप क्या है वहाँ मंदिर में? वहाँ के महंत समझ लो, कुछ भी समझ लो, पुजारी पुजारी। मंदिर पर थाने पर जो आवेदन दिया गया था मंदिर के प्रति कि बाबा को किसी ने मारपीट की है, बाबा 95 से 95 वर्ष की आयु है बाबा की, उसमें एक तरफ बाबा जहाँ लेटते हैं, जहाँ बैठते हैं वहाँ की जगह एक तरफ पलंग रखा हुआ है लोहे का और एक तरफ लकड़ी बांधी गई। अब बाबा बुजुर्ग है और बैठने की भी उनके ढंग से बनती नहीं है, कई बाबा को नींद नींद का झोंका आया होगा या काई की लकड़ी होगी आँख के यहाँ, तो इसके प्रति वहाँ के जो लोग हैं जिनने आवेदन दिया था वो झूठा है। अच्छा, वो जो आवेदन आया था मंदिर समिति के नाम से भी एक आवेदन आया था उसमें, तो क्या मंदिर समिति के लोग थे वो क्या थे? मंदिर समिति के जो लोग थे, मंदिर समिति के लोगों ने पहले देखना था कि क्या है क्या नहीं है। आप भी मंदिर समिति से जुड़े हुए? मंदिर समिति से जुड़ा हूँ, मंदिर से जुड़ा हूँ। क्या लगता है कौन लोग थे जिन्होंने ऐसा आरोप लगाया? ये अनूप पांडे ने लगाया है। क्यों करा इन्होंने ऐसा झूठा? वो बाबा पहले भी बाबा के साथ मारपीट कर चुका है, वो इन मदन मोहन दास के साथ भी मारपीट अनूप पांडे कर चुका है। अभी किस तरह का आवेदन दिया आपने? अभी देने आए हैं कि हम जो उनने आवेदन दिया था वो झूठा है, ना बाबा के साथ किसी ने मारपीट की है और ना किसी ने उनके साथ कुछ किया। आपका नाम? चिंटू चौधरी।